हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं जनरल मैसेजेस फॉर एरीज नेक्स्ट टेन डेज के लिए ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट जनरल मैसेजेस फॉर एरीज यूनिवर्स प्लीज बताइए कॉरियोर के लिए क्या मैसेजेस हैं मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं और मनी हेल्थ मैरिज जनरल मैसेजेस ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ओके हम्म देखिए एरीज जहां तक बात है आपके करियर की एस ऑफ है हमारे पास आपकी एनर्जी है एरीज लियो सैचटेग अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स किसी तरीके की नई शुरुआत काम को लेकर कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में भेज रहे हैं कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दे रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी आपका कोई नई जॉब हो सकती है या फिर नई जॉब के लिए इंटरव्यू हो सकता है और कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई नया क्लाइंट आ रहा है कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप फ्रीलांसर है या फिर कोई नई डील क्रैक कर रहे हैं आप बाई बट काम को लेकर आपकी शुरुआत हो रही है एक नई बिगनिंग हो रही है uh, कुछ चीज की स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस स्टार्टिंग मुझे दिख रही है एंड आप काफी एक्साइटेड हैं उस चीज को लेकर ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में काम को लेकर जो भी चीज शुरुआत हो रही होगी उसमें काफी एक्साइटमेंट होगी काफी हैप्पीनेस होगी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है आ, कोई चीज करनी है तो करनी है नहीं खुशी खुशी हैप्पीली आप वो चीज स्टार्ट कर रहे होंगे एंड ग्रो भी करेंगे उस चीज में इट्स नॉट लाइक कि वो चीज आपने स्टार्ट कर ली और बिन, बिना मन के आप कर रहे हो नहीं उसमें ग्रोथ भी मिल रही है आपको उसमें ग्रोथ भी है आपके लिए ठीक है um, कुछ क्रिएटिव या तो काम है आपका आर्टिस्टिक um, या क्रिएटिव काम है आपका जहां पे आपको रंगों से कुछ लेना देना है समथिंग रिलेटेड टू कलर्स और समथिंग रिलेटेड टू मे बी लाइक स्किल जो कि आप हाथ से करते हैं इट कुड बी हेयर कलरिंग इट कुड बी कॉस्ट्यूम्स लाइक टेलर वाला कुछ काम हो सकता है इट कुड स्टाइल इट कुड बी पेंटिंग इट कुड बी एनीथिंग, बेसिकली बट एस ऑफ है नया काम आपका स्टार्ट हो रहा है या फिर क्रिएटिव आर्टिस्टिक काम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नाउ वेन इट कम्स टू मनी थ्री ऑफ कॉन्स सेवन ऑफ कॉइन टॉरस वर्गो केप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि um, कोई आपका टैलेंट है मे बी नाइन टू नाइन जॉब आपकी अलग है या मेजर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका अलग है एंड आप कुछ एक हॉबी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं विच इज लाइक योर पैशन समथिंग क्रिएटिव आर्टिस्टिक जैसे मैंने बोला कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसमें ग्रोथ दिख रही है उसमें पैसा दिख रहा है बिकॉज ये आपका एक ऐसा टैलेंट है जो आपने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया था एंड आप उसको दिखा रहे हैं यू आर शो योर टैलेंट यू आर लेटिंग अदर पीपल नो दैट हे लिसन मैं सिर्फ ये काम नहीं करता हूं मेरा ये काम भी है और मैं इस चीज में भी अच्छा हूं तो वो चीज मुझे दिख रही है यू आर लेटिंग आदर पीपल नो दैट आई हैव दिस एडिशनल टैलेंट एडिशनल स्किल एज वेल एंड उसमें ग्रोथ भी हो रही है और उस ग्रोथ की वजह से आपको पैसा आ रहा है लाइक देर इज एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमिंग टूवर्ड्स यू ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में एंड आई थिंक बहुत टाइम से ड्यू था ये ये जो भी आप इसको रिवॉर्ड मान लीजिए रिकोग्शन मान लीजिए बट समवेयर आई फील यूनिवर्स या यूनिवर्स या आपको ये चीज पता थी कि आपके अंदर पोटेंशियल है और ज्यादा सक्सेसफुल होने का और ज्यादा पैसे कमाने का एंड आप अपनी उस पोटेंशियल को ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में टैप कर रहे हैं एंड आपको वो चीज वो पैसा मिल रहा है जो कि आप डिजर्व करते थे बहुत टाइम से बट आपको नहीं मिल रहा था फॉर सम रीजन मे बी ड्यू टू पॉलिटिक्स और मे बी ड्यू टू जस्ट योर लेजीनेस यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन बट ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में वो पैसा मिल रहा है देखिए मैरिज uh, में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, आप एंड आपके जो पार्टनर है Uh, जो भी आपका जेंडर है एंड जेंडर प्रेफरेंसेस बट आप आ, आप एंड आपके पार्टनर आई थिंक साथ में uh, थोड़ा घूमने फिरने जा रहे हैं नेटवर्किंग uh, कर रहे हैं सोशलाइजिंग कर रहे हैं बाहर uh, थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक दूसरे को जानना पहचानना मे बी इट्स लाइक कोई फ्रेश मैरिज है एंड आप अभी भी एक दूसरे को जानना पहचानने का प्रोसेस स्टार्ट कर लाइक like, अभी भी उसमें हो उसी प्रोसेस में हो अभी प्रपरली आप लोगों ने एक दूसरे को जाना पहचाना नहीं है सो मे बी वो जो डेटिंग वाला फेज होता है जो शादी से पहले होता है यूजली बट शादी के बाद भी आप लोग बाहर जा रहे हो घूम रहे हो फिर रहे हो डिनर मूवी uh, कोई भी चीज हो गई बट और मे बी यू आर हैंगिंग आउट विद अदर पीपल मे बी यू आर हैंगिंग आउट विद अदर पीपल सो दैट एक कंपनी होती है एंड थोड़ा सा एक आइस ब्रेकर भी हो जाता है जब चार लोग और होते हैं वरना अकेले बैठे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है बट या देखिए या तो ये हो सकता है कि आप लोग नए कपल हैं एंड बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं जानना पहचानना टाइप चीज चल रही है या फिर अगर आप एक लाइक नया कपल नहीं है मैं पुराना कपल बोलने वाली थी बट दैट साउंड बट अगर आप नया कपल नहीं है तो या तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी मोनोटनी आ गई है थोड़ा सा रूटीन बोरिंग हो गया है तो आपको थोड़ा सा एडिशनल लोगों के साथ घूमना फिरना बाहर जाना ताकि थोड़ी सी बोरिंग चीज जो है वो हटे वो मे भी आप कर रहे हैं बट डेफिनेटली रोमांस दिख रहा है हैविंग फन दिख रहा है uh, चीजों को दोबारा से स्टार्ट करना लाइक like रोमांस को वापस जगाना वो वाली चीज मुझे दिख रही है अम्म um, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है रोमांस या फिर आपके अगर मैरिज है मैरिज वाले कंटेक्स्ट uh, में या फिर आपके बिजनेस कंटेक्स्ट में कोई इंसान है जो आपको प्रपोजल दे सकता है इट कुड बिजनेस प्रपोजल इट कुड बी अ रोमांटिक प्रपोजल ये इंसान हो सकता है आपको काफी uh, कहते ना एक कैसे बोलूं उसको काफी भारी मात्रा में ये आपको कंट्रीब्यूट करे लाइक like, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी दिखाए या तो अगर आपका रोमांटिक जेस्टर uh, है ये कोई रोमांटिक प्रपोजल है तो आपको बहुत सारे गिफ्ट दे सकता है पैम्पर कर सकता है अगर बिजनेस प्रपोजल है तो बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है या आपको एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रपोजल दे सकता है ये चीज मुझे दिख रही है देखिए सेवन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास आ, दो सेवन है सेवन को किसी का बर्थडे आ सकता है या फिर डबल सेवन ट्रिपल सेवन फोर टाइम्स सेवन ये आपको दिखता हो बहुत या फिर जुलाई सेवन इज जुलाई राइट सो जुलाई में या तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कोई इवेंट हो सकता है आपका वो भी हो सकता है देखिएगा कैसा रेजोनेट कर रहा है बट <coughs> मुझे ऐसा लग रहा है ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट में कोई इंसान है जो आपको मेन्युपुलेट कर सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से ये इंसान मेन्युपुलेट कर सकता है ये इंसान आपको आपके साथ चलाकी चल सकता है आपको झूठ सच कर सकता है थोड़ा सा आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा दिमाग यूज करना पड़ेगा अगर आप इसकी बातों में आ जाते हैं या यू नो लाइक ये मेन्यूपुलेट करेगा और आप बोलो हाँ हाँ नहीं ये मेन्यूपुलेट नहीं कर रहा ये इंसान तो दिल का अच्छा है एंड आप उसकी बातों में आ गए आप यू विल अ वेरी हैवी प्राइस बिकॉज ऑफ दैट तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां तक बात है हेल्थ की आम, थोड़ा ध्यान से चलिएगा मतलब या तो घीले में अगर कहीं चल रहे हैं तो फिसल सकते हैं चोट लग सकती है एंकल में चोट लग सकती है या एंकल में स्प्रेन आ सकता है या फिर जस्ट लाइक मसल स्पैजम कोई मसल पुल हो सकता है अल्सर हो सकते हैं मुंह में मुंह में अल्सर हो सकते हैं कट लग सकता है कोई तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आग से थोड़ा सा ध्यान रखना है बट हेल्थ um, में और कोई बहुत मेजर चीज तो नहीं दिख रही है मुझे अब हम देखेंगे टीली फॉर्चून डेक्स से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज बट उससे पहले guys, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई पी सी साइनस माइग्रेन इनडाइजेशन एक्ने गट इश्यूज या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं कोई um, uh, जैसे कि फियर ऑफ अबैंडमेंट हो गया चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया या फियर ऑफ आइसोलेशन फियर ऑफ फॉलिंग इन लव कितने सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ इतने सारे होते हैं तो अगर आपको इन दोनों चीजों में से किसी पे भी वर्क करना है फिजिकल या इमोशनल तो आपको चक्रा पे बेसिकली वर्क करना जरूरी है चक्रा हीलिंग होती है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ चक्रा डिस्टेंस हीलिंग बेसिकली या तो रेखी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं आप मुझसे या फिर रेखी सेशन करवा सकते हैं दोनों में से जो भी चीज आपको कंफर्टेबल लगती है अगर आपको लगता है कि आपके आपको नजर बहुत जल्दी लगती है लोगों की नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव आपको अफेक्ट कर जाते हैं क्यों क्योंकि आपके खुद की जो एनर्जी है जो और वो बहुत वीक है दूसरों के नेगेटिव थॉट्स ट्रांसफर हो जाते हैं खुद आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो या किसी एक इंसान नेगेटिव इंसान की प्रेजेंस में जाके आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है तबीयत खराब हो जाती है या लिथार्जिक हो जाते हो ढीले पड़ जाते हो एकदम से तो आपको औला क्लेंजिंग की जरूरत है औला स्कैनिंग की जरूरत है जिससे हम फिगर आउट करेंगे कि आपका कौन से चक्रा वीक है एंड किस पे जरूरत है हमें काम करने की आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं जस्ट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दे सकती हूँ आपको बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है मैं हमेशा बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी रेपिटेटिवली अगर आप में पेशेंस है आप पॉजिटिव रख सकते हैं अपना माइंड

एरीज के लिए क्या मैसेजेस है? हैं ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट यूनिवर्स प्लीज बताइए दो कार्ड्स हैं टैंकर सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट देखिए ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में फन तो है हमारे पास पेज ऑफ कप्स है चाहे वो आप अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ करें पार्टनर के साथ करें या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ करें बट फन सोशलाइजिंग रोमांस ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं सो टैंकर है हमारे पास आप इंजॉय कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई चीज एंड यू आर है um, overcome, कोई एक चीज हो सकती है ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट के बीच में जो कि आपको ओवरकम करनी बहुत जरूरी पड़ सकती है uh, ये अपने अंदर कोई चेंज हो सकता है कि आपको अपने अंदर एक चेंज लाना है uh, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाना है मे बी क्या हो सकता है ये रीडिंग में तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है या तो मे बी आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या आपकी भी एनर्जी हो सकती है रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं या फिर दूसरा इंसान मेन्युपुलेटिव हो रहा है जेमिना बट आई फील मेन्यूपुलेशन या तो दूसरे पे बिलीव करना या दूसरे को मेन्यूपुलेट करना या कोई और भी चीज हो सकती है बट देर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन देर इज सम चैलेंज दैट यू विल हैव टू ओवरकम उससे आप भाग नहीं सकते हैं आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये इशू तो है मेरी लाइफ में मुझे पता है ये इशू है बट अभी मुझे इस पर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि अभी मूड नहीं है नहीं आप ये नहीं बोल सकते हैं बिकॉज होगा क्या इससे आप ही की सफरिंग बढ़ेगी एंड जब आपकी सफरिंग बढ़ेगी और तो आपकी पर्सनैलिटी रूएन होती जाएगी जब आपकी पर्सनालिटी रोन होगी तो आपके आसपास वाले लोगों की एनर्जी भी खराब होगी क्योंकि आपकी एनर्जी खराब होगी सो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल सो यू विल हैव टू ओवरकम अ प्रॉब्लम एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई काम से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है जेमिना एक्वेरियस जेमिनाज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट एरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम देखिए बहुत सिंपल सी चीज है मेजर चैलेंज टू ओवरकम सो एक चैलेंज तो होगा जो आपको खत्म करना है ओवरकम करना है एंड वो हो भी रहा है ओवरकम सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम भी दिख रही है हमको बट उसका सोल्यूशन निकलता भी दिख रहा है हमको तो आई फील कि आप एक्शन ले रहे हैं या ले लेंगे एंड आप अपनी अपने पार नहीं करने देंगे ठीक है है सो चैलेंज आ रहा बट वो चैलेंज का सोल्यूशन भी निकलता दिख रहा है मुझे सेकेंड कार्ड है हमारे पास रूस्टर एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस देखिए कोई एक इंसान है जो कि बहुत एरोगेंट है बहुत बोस्टफुल है बहुत ही शो ऑफ करता है इससे अगर आप ना भिड़े या ना पंगा लें या ना मै सराउंड करें तो ज्यादा बेटर है बिकॉज थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू सो यू वॉट यू हैव टू डू ड्यूरिंग दीज टेन डेज इज अपनी ईगो क्योंकि कई बार क्या होता है एरियज का मुझे पता है इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है ठीक है आपकी आपको ऐसा लगता है इसने ऐसे बोला कैसे अब तू देख मैं क्या करता हूं तो वो आपको नहीं करना है लेट इट गो एटलीस्ट लेट दिस पर्सन गो जरूरी नहीं है हर किसी से भिड़ना कई बार आपको पिक करने यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स अगर दस चीजें हैं फाइट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे एक और मेजर चैलेंज भी आ रहा है तो अगर आपको इस पे ध्यान लगाना है तो इस इंसान को आपको जा लेने देना पड़ेगा आपको जरूरी नहीं है हर चीज के साथ डील करना या कोई अगर आपको कुछ उल्टा बोल रहा है तो हर इंसान को उल्टा बोलना कई बार उनको भौंक लेने दे बोल लेने दे ड मैटर लाइक आपकी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है उस चीज से ठीक है बट येस मोरलैस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से रीज अगर आपको रीडिंग पसंद आए यू नो द ड्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय